अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स की खबरों के साथ मैं हूं तौसीफ अली स्वाती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आज खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सुपर लीग के 6 हफ्तों के बकिया मैचेस अबू धाबी में करवाने की मुकम्मल मंजूरी मिल गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के बकिया 20 मैचेस अबू धाबी में कराने के लिए मुतहदा अरब अमारात की हुकूमत की तरफ से मुकम्मल मंजूरी मिलने की तस्दीक की है। इवेंट का इनेकाद 4 जून को मुतवक्का है। ज़राए का कहना है कि अबू धाबी में PSL का इनेकाद 4 जून से मुतवक्का है, जिसमें बेशतर इंटरनेशनल खिलाड़ी और कोचेज़ दस्तयाब नहीं होंगे और इसी हवाले से PCB और फ्रेंचाइज मालकान के दरमियान मीटिंग होना बाकी है। इसके अलावा PCB और तमाम फ्रेंचाइज मालकान के दरमियान ऑनलाइन इजलास के बाद इवेंट के इनेकाद से मुतालिक इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि यह इजलास आज ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि अबू धाबी में इवेंट के इनेकाद के सिलसिले में खायल तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई हैं, जिस पर हम बहुत खुश हैं और इवेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वसीम खान का कहना था कि हम अरब इमारात की हुकूमत, उनकी नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्रिकेट बोर्ड और अबू धाबी स्पोर्ट को कौंसिल के मशहूर हैं, जिन्होंने इवेंट के इनेकाद में हायल रुकावटों को दूर करने में हमारा साथ दिया। PCB चीफ एग्जीक्यूटिव ने मजीद कहा कि PCB इवेंट के इनेकाद से मुतालिक मालूमात को तेज़ी से हतमी शक्ल देने के लिए तमाम फ्रेंचाइज मालकान से मशावरत की जाएगी, जिसके मुकम्मल तफसीलात मुनासिब वक्त में जारी की जाएंगी। 14 मैचेस पाकिस्तान में खेले जा चुके हैं। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों में कोरोना केसेस सामने आए हैं के बाद इवेंट मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन मामलात को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद फाइनल समेत बकिया 20 मैचेस अबू धाबी में कराए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस की प्लेयर ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन की बकिया मैचेस के लिए प्लेयर्स ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है, जबकि अब हर टीम को 18 के बजाय 20 खिलाड़ी रखने की इजाज़त होगी। ड्राफ्टिंग में लाहौर कलंदर ने मुतहदा अरब अमारात ने स्पिनर सुल्तान अहमद और सिंगापुर के ऑलराउंडर टीम डेविड को पिक किया है। मुल्तान सुल्तान ने वेस्टइंडीज़ के शेम्स हेड टिमेयर, जॉन्सन चार्ल्स, हमाद आजम और वसीम मोहम्मद को टीम का हिस्सा बना लिया है। साबिक चैंपियन क्वेटा क्लेडिएटर्स ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जैक वेल्डर स्मिथ, जहीर खान और खुर्रम शहजाद को मुंतखब किया है। नाज़रीन, स्पोर्ट्स की न्यूज़ से अब तक के लिए इतनी ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पब्लिक आई को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।